नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज मैं लेके आऊं 70mi का एक डैश कैम है जो लगभग मेरे को एक महीने बाद मिला है, ऑर्डर के एक महीने बाद मिला है ये। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। फिलहाल एक डैश कैम और भी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, वो अब तक मिला नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, दोनों को मैंने एक साथ किया था ताकि मेरी दोनों गाड़ियों में लग सके कि अलग अलग फीचर्स बता सके कि दोनों में से अच्छा कैसा है। फिलहाल 70mi का डैश कैम है ये, तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ में इसका प्रैक्टिकल भी दूंगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है, नाइट विजन इसका कैसा है और डे विजन में कैसा है। फिलहाल डैश कैम में क्या क्या खूबी होनी चाहिए आपके लिए, एक तो नाइट विजन अच्छा होना चाहिए कि रात के समय आगे से जो फ्रंट में लाइटें वगैरह पड़ती हैं गाड़ी की और रात का अंधेरा होता है उसके अंदर प्रॉपर क्लियर हो तो ही ज़्यादा बेटर है डैश कैम। और फिलहाल दिन के अंदर नंबर प्लेट, आप सामने वाले की नंबर प्लेट्स वगैरह अच्छे से कैप्चर कर सके डैश कैम में, ये खूबी प्रॉपर होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो 32GB लगभग मेमोरी कार्ड सपोर्ट होना चाहिए उसका, और HD रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में ये वाईफाई रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, वाईफाई से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, प्रैक्टिकल भी दूंगा, प्रॉपर बताऊंगा कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना है। चलो फिर एक बार, जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और उसके अगले के बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। यूं ही अच्छे अच्छे गैजेट्स लेके आता रहूंगा। हाँ, थोड़ा टाइम मेरे को लगता है अपनी वीडियोस लाने में, क्योंकि मेरे पे कोई दूसरा काम भी है, जो घर चलाने के लिए थोड़ा और काम भी करना पड़ता है। तो फिलहाल ये बातें छोड़ के इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स में खोलते ही सबसे पहले इसका मैनुअल मिलेगा। मैनुअल के अंदर आपको सारी फिटिंग्स वगैरह दे रखी कि कैसे लगेगा, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, स्पेसिफिकेशन क्या है इसका। तो इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन के अंदर रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल्स का है, ठीक है, जो एरिया आपका कवर करेगा 130 डिग्री तक ये कवर करेगा। बाकी रैम है इसकी 512 MB रैम है और 64GB कार्ड सपोर्ट कर सकता है ये पूरा। और वाईफाई है इसके अंदर, वाईफाई क्या है देखते हैं इसके अंदर। बाकी आपको कैमरा मिलेगा इसके अंदर, बड़ा अच्छा सा कैमरा है इसका। साथ में ये देखते हैं क्या है इसके अंदर, ये इसका प्लग है और ये है कैमरा, 70mi का कैमरा है। साथ में बॉक्स में और देखते हैं क्या है इसमें। साथ में आपको केबल मिलेगी, ये वाली केबल है, केबल की क्वालिटी अच्छी है, हाथ में पकड़ के लग रहा है कि हाँ यार कोई चीज है। बाकी ये जो इसका प्लग है, इसको मल्टी चार्जर्स के रूप में भी आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि डैश कैम आपको नहीं चलाना हो तो आपका फ़ोन वगैरह चार्ज भी बहुत अच्छे से कर देगा। बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, ये है आपका 70mi का डैश कैम है, जिसका जो दिखने में अच्छा है, लुक भी अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक है, बढ़िया है। साथ में इसको ऑन करके देखते हैं, इसके अंदर बैटरी भी है, मतलब कि बैटरी कि आपकी गाड़ी ऑफ होने के बाद कुछ सेकंड के लिए यह रिकॉर्ड करता रहेगा, मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ऑफ होने के बाद ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाँ, पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये आपका प्लस सॉकेट से ही चलेगा, जो आपके आउटपुट 12 वोल्ट का आउटपुट होता है उसी से ही ये कैमरा चलेगा। बाकी थोड़ा सा इसमें बैटरी दे रखी है, जो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है या पावर नहीं आ पाती तो थोड़ा सेकेंड के लिए आपका रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर। बाकी दिखने में अच्छा है, इसी बढ़िया है। बाकी मैं बता देता हूँ कि डैश कैम गाड़ी के अंदर क्यों जरूरी है, क्या किस लिए चाहिए। खासकर लेडीज के लिए तो डैश कैम होना बहुत जरूरी है कि आप कहीं जाते हो, कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ पे आप जस्टिफाई करना आप नहीं कर पाते हो कि किसकी गलती है, आपकी खुद की गलती ना होने के बावजूद भी आपको गिल्ट, मतलब कि आपको बोल दिया जाता है कि आपकी गलती है। तो डैश कैम आपकी गाड़ी में होगा तो आप प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हो कि देख ले भाई मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। फिलहाल जो ड्रिंक वगैरह करते हैं गाड़ी के अंदर उसके लिए तो बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि रात को तो पी के वो गाड़ी ठोक देते हैं, पता नहीं लगता किसकी गलती है। अगर सुबह बच जाते हैं बाइकर, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि दारू पी के गाड़ी ना चलाया करो, हर वीडियो के एंड में भी बोलता हूँ नॉन ड्रिंक ड्राइव, तो उसको वो बंदा देख सकता है कि हाँ मैंने कहाँ गलती करी थी। और ना पी के ना चलाऊं तो अपनी जान तो बचेगी बचेगी, दूसरों की जान भी बचेगी। तो दोबारा कहूंगा डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाकी लेडीज़ के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आजकल लेडीज़ वगैरह भी गाड़ियाँ खूब चला रही हैं, और जो मर्द लोग हैं उनको ज़्यादा अपने ऊपर वो रहता है, जो लड़के लोग हैं, कि हम लेडीज़ से ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, हमेशा उन्हीं की गलती रहती है। तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो बता सकते हैं कि हाँ मेरी गलती नहीं है, बॉस तेरी भी गलती है, हमेशा लड़कियाँ रॉन्ग नहीं होती।
सो दोस्तों आज मैं इसका पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा बताऊंगा कैसे फिटिंग करता है, आपके पूरे आगे डैश कैम लगेगा पूरा 130 डिग्री का जो ये बता रहा है वो पूरा प्रॉपर बताएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इसको प्रैक्टिकल देते हैं, लगाते हैं इसको। दोस्तों इसके लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, कोई आप खुद भी लगा सकते हो, कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको गाड़ी के बारे अपनी गाड़ी के बारे में अच्छे से पता हो तो बस आपको आपका ये जो मिरर है इसके बिल्कुल जस्ट नीचे लगाना है। ये मिरर हमारा बिल्कुल मिडल में ही लगा होता है, ना ज़्यादा इधर होता है ना ज़्यादा इधर होता है। तो जस्ट इसका एंगल आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ मिडल है, इसके जस्ट नीचे आप इसको ऐसे लगा सकते हो, जैसे ये है इसके जस्ट ऐसे बीच में लग जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर करके। तो आपको 360 डिग्री का पूरा जो इसका स्पेसिफिकेशन है जो इसने बताया है तो आपको पूरा ये देगा, पूरा एंगल ऐसे पूरा प्रॉपर बताएगा कि कैसे है। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। प्लस आपको 12 वोल्ट का सॉकेट चाहिए जो आपके हर गाड़ी में अधिकतर आजकल आता ही है, जैसे मेरी वरना गाड़ी है तो उसके अंदर मेरे को यहाँ पे दे रखा है। तो ये वायर है, वायर की लेंथ है मेरे ख्याल से 4-5 मीटर आराम से है इसकी लेंथ। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से लेते हुए इसको मैं खोलूँगा, इसको लेते हुए मैं सीधा अंदर से इधर से लाते हुए तो यहाँ पे वायर छोड़ दूँगा और इसको प्लग को, और इस प्लग के जरिए ये वाला जो प्लग है इस प्लग के जरिए इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको मैं चलाऊंगा। फिलहाल अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही वायर करूंगा क्योंकि मैं पूरा लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि फिर मैं आराम से लगाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसको पूरा ऐसे लगा देता हूं। दोस्तों मैंने मिडल में लगा दिया, जैसे मैंने बताया था कि हमारा मिडल होता है इसकी जो हमारा सामने वाला मिरर होता है, तो इसको मैंने मिडल में एकदम प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, फिटिंग कर दी है। आप चाहो तो इसको गाड़ी के सिस्टम के साथ भी चला सकते हो या 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ भी चला सकते हो जो मैं बताया था आपको जो इसके साथ में मिलता है। तो मैं सीधा आप इसका नाइट विजन और डे विजन दिखाता हूं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा कैमरा है और कैसा नहीं है ये। सो दोस्तों ये है डे विजन इसका, दिन का टाइम है करीब 3:10 है, ऊपर टाइमिंग भी दिखा रहा है। तो विजन अच्छा है, पूरा 130 डिग्री का दे रहा है जैसे इसने मेरा बताया है। मिडल में मैंने लगा रखा है कैमरे को। नंबर प्लेट की बात करें तो नंबर प्लेट भी इजीबल पढ़ी जा रही है, थोड़ी दूरी के बाद नहीं पढ़ी जा रही। अगर डिस्टेंस में अगर गाड़ी 3-4 मीटर या 10 मीटर की दूरी है तो आराम से नंबर प्लेट आप पढ़ सकते हो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया दिख रहा है। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंदर आपका वॉइस रिकॉर्डर भी है, साथ में साथ आपका वॉइस रिकॉर्ड भी करता जाएगा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक स्पाई रिकॉर्डर के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हो, किसी को अगर गाड़ी में जो भी बातचीत चल रही हो आपकी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको पता ना लगे तो बातें भी आपके साथ के साथ रिकॉर्ड होती जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं नाइट के टाइम की कि कैसे परफॉर्म करता है। नाइट में थोड़ा सा निराश हुआ मैं इस प्रोडक्ट से कि नाइट में इतना प्रॉपर ढंग से नहीं, अगर आपके बिल्कुल गुप अंधेरा है, लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं जल रही है और आप अपनी गाड़ी की लाइट भी बंद कर देते हो तो इतना प्रॉपर ढंग से नहीं दिखेगा जिस हिसाब से नाइट विजन होता है। लेकिन ठीक है, मैं गाड़ी की लाइट जलाऊंगा तो बेटर बढ़िया दिखेगा, सारी चीज़ अच्छी दिखेगी। मैं चला के दिखाता हूं लाइट। सो दोस्तों ये लाइट वगैरह मैंने जला दिए, सामने से जो दूसरे बंदे की लाइट पड़ती है गाड़ी पे तो उसमें भी कैमरा अच्छा काम कर रहा है, कोई ब्लर नहीं हो रहा, अच्छे से चीज़ें देखी जा रही हैं, अच्छे से देखा जा रहा है। थोड़ा नाइट में निराश है, जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं होगी थोड़ा आपको निराश करेगा, बाकी डे में और लाइट आपकी गाड़ी की जल रही है सामने हेडलाइट तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो बात करते हैं इसके, मैं जो स्टार्टिंग में मैंने करनी चाहिए थी वो मैं एंड में कर रहा हूँ सॉरी इसके लिए, कि इसका एक ऐप है 70 AMI का ऐप है जो आपको फ़ोन में कनेक्ट कर आपको फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों में वो आपको मिलेगा। तो मैं उसको ऐप को मैं खोलता हूँ कैसे कनेक्ट करना है आपको अपने फ़ोन से और वाईफाई कनेक्टिविटी क्या चीज़ है इसमें जो बताई थी मैंने स्टार्टिंग में वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो अपने वाईफाई फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको ऐप इसकी एक 70 AMI की डैश कैम की एक ऐप आती है जो आपको प्ले स्टोर में जाके आपको लिखना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बस उसको डाउनलोड करना है। उसको आपने मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद में आपको ये लॉगिन मांगेगा, आपने लॉगिन इसको फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो आप अपने, सिंपल है, आपको एग्री करना है जो इसकी टर्म एंड कंडीशंस है उसको एग्री करना है। उसके बाद में ये ऐसे ऐड डिवाइस मांगेगा, आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, 70 AMI स्मार्ट डैश कैम आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर अलाउ करना है उसको। बाद में आपका वाईफाई का जो पासवर्ड होगा 1234567888 डिजिट का पासवर्ड है, बस उसको आपने वाईफाई खोलना है अपना। वाईफाई खोलोगे तो इसके अंदर आपका 70 AMI डैश कैम का आपको दिखाएगा, बस उसको कनेक्ट करके जो पासवर्ड है 1234567888 वो डालना है बस आपको।
तो वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ डिवाइस कनेक्ट करना है इसकी ऐप पे जाके, 70 mAh स्मार्ट डैश कैम की ऐप पे जाके। तो ऐसे इंटरफेस खुलेगा सामने, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तीन फोल्डर आएंगे इसमें, नॉर्मल, इवेंट और फोटो का। तीनों को बताता हूँ, पहले नॉर्मल में चलते हैं। नॉर्मल के अंदर आपको जो जो अब तक आपके फ़ोन में इसमें कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है डैश कैम में, सारा आपको दिखाया गया। एक एक मिनट की सारी क्लिप होंगी आपकी। एक एक मिनट के बाद यह ऑटोमेटिक फोल्डर बनाता हुआ चला जाता है आपकी क्लिप्स की, जो ये बहुत अच्छा है। आपको बार बार कंप्यूटर में आपको एक डिवाइस का मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस वाईफाई से कनेक्ट करो, ऐप पे जाओ और ऐप से ही सीधा आप अपना कनेक्ट कर सकते हो। साथ में कोई भी आपको क्लिप ले रखनी है कि हाँ भाई ये मेरे को किसी को दिखानी है, तो डाउनलोड का ऑप्शन उसके साथ में ही आता है। डाउनलोड का ऑप्शन दबाओगे तो सीधा आपकी जो डाउनलोड होएगी वो सीधा आपकी गैलरी में चली जाएगी। तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया है कि आपको झंझट खत्म कर दिया कि इसको लैपटॉप पे लगाओ या किसी चीज़ में डिवाइस पे लगाओ तो आप सीधा यहीं पे चला। बात करते हैं इसके ऑप्शन है एक इवेंट का, मतलब कि ये अलग से ही एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपको, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है आपके कैमरे के अंदर कि जैसे ही गाड़ी में हिट हो गया झटका महसूस होगा तो एक फ़ोल्डर वो उस वो वाली जो क्लिप है वो उस इवेंट वाले फोल्डर के अंदर चली जाएगी और उसको उसमें ही सेव कर देगी। इसके क्या हम अलग से देख सकते हैं कि हाँ एक्सीडेंट वाली मेरी फ़ोटो कहाँ है, जहाँ पे मेरा हिट हुआ था, कुछ हुआ था, तो आपको बार बार झंझट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं देखने के, तो सीधा ये उसमें फ़ोल्डर में चली जाएगी। जो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा मेरे को इसके अंदर। बाकी हम सारी चीज़ डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, जो हम डाउनलोड करेंगे वो सीधा हमारी गैलरी के अंदर जाएगी। ये ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, लैपटॉप का झंझट खत्म कर दिया। वाईफाई से कनेक्ट करना है और सीधा आप अपने फ़ोन से ही सब कुछ देख सकते हो, लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि क्या चल रहा है आगे क्या नहीं चल रहा, बट वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए फ़ोन को। अब बात करते हैं इसके प्राइस वगैरह की। प्राइस ये आपको 2500 से लेकर 3000 के बीच में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करोगे 70 mAh डैश कैम तो आपको कई सारी साइट्स वगैरह आ जाएंगी जहाँ से आप ये इसको आराम से खरीद सकते हो। बाकी इसमें फ़ोटो का भी एक ऑप्शन है जिसमें आपको अगर आगे चलते हुए सिर्फ कैप्चर करनी है फ़ोटो को, बस उस पर क्लिक करना है तो कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका पूरा रिव्यू, पूरा डिटेल रिव्यू दिया है मैंने, वाईफाई से कनेक्ट करके भी बताया है, सारा सब कुछ किया है। तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं है किया है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके आगे के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर गंदी लगी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई आगे फर्दर में आपको ये सुधार करना ज़रूरी है, वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते कौन सी वीडियोज़ मैं लेके आता हूँ। जब तक के लिए डोंट ड्रिंक ड्राइव एंड सेफ ड्राइव। बाय बाय।